किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, तो कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल सफ़रनामा में। और आज के इस वीडियो में हम लोग चलेंगे काठमांडू के प्रसिद्ध दरबार स्क्वायर में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दरबार स्क्वायर पहुंचने के लिए आपको काठमांडू एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर और थामेल से 2 किलोमीटर लगेंगे। और घूमते टहलते हम लोग पहुंचे दरबार स्क्वायर। दोस्तों, इसके नाम से ही लग रहा है कि दरबार यानी कि राजा महाराजाओं का निवास स्थान। नेपाल में प्रमुख रूप से 3 दरबार स्क्वायर हैं। जिस जगह को आप देख रहे हैं यह है बसंतपुर का दरबार स्क्वायर, इसके अलावा पाटन दरबार स्क्वायर और भक्तपुर दरबार स्क्वायर भी यहाँ पे मौजूद हैं। इन तीनों दरबार स्क्वायर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार किया है। बसंतपुर दरबार स्क्वायर में पहले मल्ल राजाओं और बाद में शाह राजाओं ने यहाँ पे राज किया और बड़ी मात्रा में यहाँ पे मंदिरों और इमारतों का निर्माण कराया। नेपाल में लोकतंत्र आने के बाद यहाँ पे इस जगह को आम जनता के लिए खोल दिया गया। 2015 के भूकंप में इस जगह को काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो चलिए यहाँ का संपूर्ण दर्शन करते हैं। यहाँ पर टिकट सार्क देशों का 150 रुपये और अन्य देशों का 1000 रुपये है। दरबार स्क्वायर का कुमारी मंदिर है। कुमारी मंदिर नेपाल में बहुत फेमस है। यहाँ पे एक कन्या होती हैं जो देवी के रूप में होती हैं, तकरीबन 3 या 4 साल की, तो उनकी पूजा की जाती है देवी के रूप में। वो मंदिर है लेकिन हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि फॉरेनर को अलाउ नहीं है। तो हम लोग इस समय फॉरेनर हैं तो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर सारे मंदिरों का निर्माण भव्य शैली में कराया गया है। कहते हैं कि यह मकान लकड़ी के बने होते हैं और इनमें एक भी कीलों का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, ये है दरबार स्क्वायर का मेन पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है यहाँ का सबसे प्रमुख स्थान हनुमान ढोका पैलेस। इस पैलेस के नाम पे ही इस जगह को हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर भी कहा जाता है। Oh, 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 oh
दरबार स्क्वायर घूमना हम लोगों का एक रोमांचकारी अनुभव रहा। आप लोग भी एक बार यहाँ पे अवश्य आइए। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। जल्दी ही हाजिर होता हूँ एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।